नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल। आइयो पापा अच्छे होंगे तो अच्छे। तो आज बात करने वाले जीप कंपस फेस्ट लिप के बारे में बात करने वाले। तो उसके यूरोप में भी बहुत बार टेस्टिंग के दौरान देख चुकी है, हमारे इंडिया में भी उसकी बहुत बार टेस्टिंग देख चुकी है। तो फाइनली उसका एक फोटो लीक होके आ चुका है, हमें वेबसाइट से मिल चुका है। कौन सी होगी डिज़ाइन, हमें फ्रंट की डिज़ाइन रियर की डिज़ाइन के बारे में बात मालूम चल चुके। फिलहाल तो हमें इंटीरियर में इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो इंटीरियर में हमें थोड़ा बहुत तो मालूम है क्या कुछ मिलने वाले। तो इस वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप बता दूं कि आपको इसमें माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, इतना कुछ आपको इसमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जो कि हमारी पहले जीप कंपस आती थी उसमें और इसमें जो फेस्ट लिप वेरियंट है उसमें। तो बात करूँ सबसे पहले फ्रंट में, तो आपको सबसे पहले फ्रंट में जो हमारी हेडलैम्प होगी उसमें माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा। आपको इतना ज़्यादा मालूम नहीं चलेगा ये फेस्ट लिप वाला है कि या पहले आता था उसका ये। तो इसमें आपको ऑल एलईडी बल्ब देखने को मिलेंगे जो कि एक अच्छी बात है। साथ ही में आपको इसमें ग्रिल देखने को मिल जाएगी, 7 स्लेट वाली ग्रिल देखने को मिल जाएगी। ग्रिल आपको परमानेंट हनीकॉम वाली देखने को मिल जाएगी, ग्रिल में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। आपको इसमें नया बम्पर देखने को मिलेगा, ऑल न्यू ब्लैक बम्पर आपको देखने को मिलेगा। उसमें ही आपके बम्पर में ही अटैच फॉग लैंप भी देखने को मिल जाएंगे। तो ऑल न्यू बम्पर में आपको कोई भी फीचर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जो आप एलईडी डेड लाइट रनिंग लाइट आप उसमें लगा पाए। इसमें इसका कोई फीचर नहीं देखने को मिलता था जैसे कि आपको पहले देखने को मिलता था, इसमें आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रंट में आपको इतना डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। साथ ही में फ्रंट में आपको बताइए जो दूसरा वेरियंट आता है थ्रेड होक वाला वेरियंट आता है उसकी बात करें तो इसमें आपको ड्यूल टर्न वाला वुड्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही में आपको आगे हुक देखने को मिल जाएगा जो कि पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। कभी गाड़ी आपकी कीचड़ फंस जाएगी तो आपको हुक भी देखने को मिल जाएगा और न्यू बम्पर और देखने को मिल जाएगा थ्रेल हुक में जो आपको बताइए जो आता है उसका वेरिएंट इस हिसाब से। इसमें भी ये देखने को मिल जाएगा सब कुछ आपको, जो कि आपको इसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे इसके लिए आपको लेना है। तो इसमें आपको अलग से थ्रेल हुक की बैचिंग भी देखने को मिल जाएगी जो कि सब कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा वो फ्रंट में देखने को मिल जाएगा जो आप ये वेरिएंट अपडेटेड वेरिएंट लेंगे। तो अगर बात करूँ रियर में, तो रियर में ऐसे कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि टेल लैंप में थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी मैं नहीं बोलूँगा इतना डिफरेंस है। जो रियर होगा वो तो आपको सेम टू सेम मिलेगा। वैसे तो बात करूँ साइड प्रोफाइल में, तो साइड प्रोफाइल में भी आपको कोई ऐसा ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जो भी चेंजेस देखने को मिलेगा वो आपको सिर्फ फ्रंट में देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इतना कुछ इसमें डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। जब पहले आता था वेरिएंट उसको थोड़ा बहुत डिफरेंस चेंज करके फेस्ट लिप लॉन्च कर दिया, जैसे कि हर कंपनी करती है उसको थोड़ा बहुत माइनर सा चेंजेस करके उसका फेस्ट लिप लॉन्च कर देती है। तो इसमें भी यही किया है। तो थोड़ी सी बात कर लेते इंटीरियर के बारे में जो कि हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। हालांकि इंटीरियर में अभी इतना कुछ हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन इसमें आपको 10.1 इंच का यू कनेक्टेड 5 इंफॉर्मेंट स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। साथ ही में आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट भी देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको नया डैशबोर्ड भी देखने को मिल जाएगा, जो कि डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा उसकी क्वालिटी भी आपको सही देखने को मिलेगी। साथ ही में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे नए नए फीचर भी आपको इंटीरियर में देखने को मिल जाएगा। जब भी और भी इंफॉर्मेशन आएगी तब आप तक मैं पहुँचा दूंगा इंफॉर्मेशन। सही इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना। तो थोड़ी सी बात इंजन के बारे में भी कर लेते हैं। तो इंजन के बारे में तो अभी फिलहाल कुछ ऐसा कह नहीं सकते इतना मिलेगा, लेकिन आपको जो 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है इस जगह पे आपको 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। तो अगर इसकी पावर की बात करूँ तो आपको 128 and 148 bhp के आसपास मिलता है। अगर इसकी टॉर्क की बात करूँ तो आपको इसमें 2.70 आपको इसमें टॉर्क देखने को मिलेगा। हालांकि कंफर्म नहीं है कि आपको यही इंजन देखने को मिलता है, ऐसा हमें रिपोर्ट मिला है कि ये हो सकता है। फिलहाल तो हमें डीजल में कोई अभी फिलहाल जानकारी नहीं मिली, पेट्रोल में इतनी जानकारी मिली, और भी कुछ जानकारी हमें मिलेंगी आगे तो आपको हम बताते रहेंगे। तो आपको बताइए लॉन्च अगले साल में होने वाली, आपको 5th या 6th मंथ में लॉन्च हो जाएगी, ये देखने को मिल जाएगी हमारी सड़कों पे इंडिया पे। इस वीडियो को लंबाई नहीं करते हैं, तो ऑलमोस्ट हमें जो भी डिटेल मिली है मिल चुकी है, जो ऑलमोस्ट हमारी डिटेल जो इंपॉर्टेंट डिटेल थी वो हमें फ्रंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी जो कि आप तक पहुँचा दी है। तो और भी इस वीडियो के रिलेटेड या कोई भी सवाल जब हो तो नीचे कमेंट कर देना, और ये हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो किसी भी रीजन से तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए,
और आगे हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचते रहे, आप जहाँ भी रहें सुखी रहें।